गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज 20th मई एंड द डे इज वेडनेसडे। आज हम हमारा पाठ जो परिवेश अध्ययन का संतुलित आहार, उसके अंतर्गत फूड पिरामिड जो है खाद्य चार्ट को बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज को चार बराबर हिस्सों में बांट देंगे, जैसे मैंने बांट दिया है। उसके बाद आप उसमें सबसे पहले नीचे हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे, दूसरे वाले में खनिज और विटामिन, तीसरे वाले में प्रोटीन और चौथे में वसा। तो उनसे संबंधित जो है वो हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये चित्र बनाना बहुत जरूरी इसलिए होता है बेटा कि जो कि हम अपना हाथ से जो चीज हम बनाते हैं वो हमें हमेशा हमारे दिमाग में छपी रहती है, वो हमें याद रहती है। तो कई चीजें जो ऐसी होती हैं जो हमें लिखकर हम याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उसका चित्र बना ले तो वह चित्र हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए छप जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं संतुलित आहार में जो पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, गुड़, चीनी आदि। ये देखिए, ये यहाँ पर चित्र में मैंने इनको बना रखा है। और ये हमारे किस काम आता है, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कार्य करने की ऊर्जा देते हैं। ये जो है इनको खाने से हमें हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब उससे अगला जो हमारा आता है खनिज और विटामिन। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हम लोग खाते हैं। उसके बाद फल, जो भी फल हमें मिलते हैं उन इन सब से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। और ये किस कार्य में काम आते हैं? रोगों से लड़ने की ताकत हमें मिलती है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। जैसा अब आप लोग सुनते भी हैं, टीवी में भी बार बार दिखाया जाता है कि हमें कोरोना डिजीज से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और कौन से फल खाने चाहिए? खट्टे फल आपको खाने चाहिए, जैसे संतरा है और नींबू है, और हमारा कोई भी ऐसा जो खट्टा फल जिससे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, वो जो है फल हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से, और जो पशुओं से मिलने वाला मांस है, दूध है, क्या कहते हैं, मछली वगैरह जो है वो जो लोग खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं, वहां से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और दूसरा प्रोटीन जो हमें प्राप्त होता है दूध से प्राप्त होता है, दही से प्राप्त होता है, पनीर जो है पनीर बच्चों को खाना चाहिए। उसके बाद आपकी जो दालें हैं, दाल तो सबके घर पे और बनती ही है, तो दालें जो हैं वो भी प्रोटीन, उनसे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा सोर्स जो है, स्रोत जो माना गया है प्रोटीन का, वो है सोयाबीन। सोयाबीन से हमें बहुत प्रोटीन मिलता है, इसलिए सारे बच्चे जो है सोयाबीन की दाल वगैरह जो है खाना शुरू करेंगे, जिससे उनके शरीर की वृद्धि होगी और मरम्मत का काम होगा। मरम्मत का काम से हमारा मतलब है कि जब हम कई बार गिर जाते हैं, कहीं कुछ चोट हमें लग जाती है, तो उस चोट को ठीक करने की का काम जो है वो भी प्रोटीन ही करते हैं। आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आज से दाल वगैरह खाना जो है वो आप लोग शुरू कर दें अच्छे से, जिससे आप लोग जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाओगे। उसके बाद अगला है हमारा चौथे नंबर पर वसा। वसा जो है ये हमें घी और तेल से प्राप्त होती है, मक्खन आदि से। और ये जो है आइसक्रीम वगैरह खाने से भी हमें बहुत एनर्जी हमें मिलती है, इससे हमें ऊर्जा और उष्मा दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का जो चार्ट है वो आप बनाएंगे। उसमें ये उसमें कलर्स अगर कर सकते हैं तो ठीक है, मैंने किया नहीं है, मेरे पास थे नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश करना, अगर हो तो कर सकते हो आप, लेकिन साफ सफाई से बनाना इसको। और ऊपर आप अपना डेट HW एंड द डे, डे इज वेडनेसडे, ये डालना ना भूलें। उसके बाद ये खाद्य चार्ट की पूरी इस तरह से इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर इनको जो है नोटिंग की है, तो वो भी आप करेंगे साथ के साथ में। और इस चार्ट को जो ये बनाया गया है, इसमें जो ये लिखा गया है इन्हें याद भी करेंगे, इन पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे प्राप्त होता है और वो क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, खनिज कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और किस कार्य में है वो हमारा सहयोग देते हैं हमारे शरीर का, वसा कहाँ से मिलता है और उसका क्या कार्य है।
तो ये भी जो है आप लोग याद भी करेंगे इसको बनाने के साथ साथ. देन ओके बाय थैंक यू.